विधानसभा एक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुदर्शन गुप्ता का वार्ड 13 छोटा बांगंडा में जनसंपर्क। गुप्ता ने लोगों से आशीर्वाद के साथ जानी उनकी समस्या। कहा, छोटा बांगरदा ग्राम पंचायत में आता था जो कि मैंने उसे शिक्षित कर कॉलोनी में परिवर्तन किया है, और पानी, रोड, लाइट, डैमेज, पोल, कई सारी समस्याएं छोटा बांगरदा में थी, उसको 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण किया है। देखिए सुदर्शन गुप्ता का विकास के साथ जनसंपर्क, संपादक सुनील नीले के साथ, एडिटर मनोज सिंह, इंदौर, आज की आवाज। किस तरह का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? विरोधी लोग ने जो अब बातें फैला रखी है उससे आपके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? और इधर ब्राह्मण समाज ने भी ऐलान कर दिया आपके लिए। इंदौर विधानसभा क्षेत्र मांग एक में वार्ड मांग 13 जिसकी पार्षद श्रीमती चंदा चौधरी बात कही है, उनके वार्ड में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। ये पहले क्षेत्र पंचायत में था, अत्यंत समस्याग्रस्त था। अभी कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काट दी गई और मूलभूत सुविधाएं अपनी कराई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर की नगर निगम की सीमाएं बढ़ाई, तब यह क्षेत्र छोटा बांगरदा पंचायत से लेकर नगर निगम में आ गया और 13 नंबर वार्ड में आया। तो यहाँ पर पार्षद हमारी भाभी श्रीमती चंद्रा सुरेंद्र वाजपेयी जी बनी, और जब से वो बनी है तो उनके द्वारा और मैंने उनको सहयोग किया, हम दोनों ने यहाँ पर पूरी योजनाबद्ध तरीके से विकास किया। यहाँ पर ड्रेनेज डलवाई, यहाँ पर गटरे बनवाई, यहाँ नर्मदा की लाइन डलवाई, सीमेंटीकरण कराए, बिजली के खंभे लगाए, 3 फेज कनेक्शन कराए और स्ट्रीट लाइट लगाई, और जहाँ आवश्यक है वहाँ बुकिंग कराए, और यहाँ पर का क्षेत्र का संपूर्ण विकास हमने करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी यहाँ के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को मिला, जैसे संबल योजना है, लाली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, इनका लाभ जनता को मिला। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार से, स्थानीय पार्षद से, विधायक से प्रसन्न है, और उनका आशीर्वाद प्रेम इसने हमको मिल रहा है। मैं अभी जो जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आपके अभिन बयान दिए और दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने भी अनर्गल बयान दिया, इससे और ब्राह्मण समाज जिस तरह से रोष में है, क्या आपके चुनाव पे असर पड़ेगा? मैं इसके लिए आपको तब भगवान कि मैं इस संबंध में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, और केला जी ने जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद ये पूरा बात है, उसका पटाक्षेप हो गया।